नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मोरे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैड सॉन्ग में बेस कॉर्ड कैसे लगाया जाता है। वैसे तो वेस्टर्न में मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ कैसे लगाया जाता है, आर्य शर्मा का कैसे लगाया जाता है, जो आर्य शर्मा लगाता है, जो प्रियांशु सिंह लगाते हैं वो कैसे लगता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ सैड सॉन्ग में कैसे कॉर्ड बेस लगता है, क्या पैटर्न होता है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का जानकारी आपके बीच हरदम लाता रहता हूं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। यहां पर देखिए मैंने क्यूबेस ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। पहले तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं और सैड सॉन्ग का रिदम फिर मैं लगाऊंगा। ये देखिए प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लिया। अब सैड सॉन्ग का रिदम मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है रिदम, जो है इसमें मैं डालूंगा रिदम। पहले तो देखिए सैड सॉन्ग का मैं रिदम डाल लेता हूँ। मान लीजिए कि ये वीडियो मैं डाल देता हूँ, 180 टेम्पो है तो टेम्पो पहले मिला लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं टेम्पो मिला लेता हूँ। ठीक, 80 टेम्पो है और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं एक कॉर्ड के लिए लेता हूँ। कॉर्ड के लिए यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एसटी लेता हूँ, जैसे नेक्सस में ले लेता हूँ। नेक्सस में मैं अपना जो यूज करता हूँ ये वाला पियानो वाला, इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ से ठीक ये हो गया। इस तरीके से अपना कर लेना है जो है। तो इसको पहले ना देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला ठीक है, इसको मैं तीन ले लेता हूँ ये वाला ठीक है। उसके बाद में यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देता हूँ। देखिए अब 1 2 3 4 देखिए इतना मैं कर लिया हूँ। ठीक, उसके बाद में इसको मैं एडिट पहले कर लेता हूँ। कुछ कुछ यहाँ पर नोट्स एक्स्ट्रा लग गया है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक, इतने पे ही मैं वर्क करता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको देखिए 1 by 1 कर लीजिए। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पर QW से क्वांटाइज इसको कर लीजिए। इस तरीका से क्वांटाइज हो गया। ठीक, क्वांटाइज करने के बाद में यहाँ पर देखिए फिर से मैं वही 1 by 16 1/16 इसको मैं इस तरीका से कर लिया। और जैसे देखिए ये तो हो गया कॉर्ड ये वाला। ठीक, इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, 15 कर लेता हूँ। ठीक, इसके बाद में मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक, डुप्लीकेट करने के बाद में अब कॉर्ड बेस इसको कैसे बनाना है सैड सॉन्ग का। देखिए ये हो गया, इसको मैं देख लेता हूँ कोई ये वाला है इस तरीके से। तो दूसरा मैं बेस टाइप का ले लेता हूँ कोई, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ये ठीक है कुछ, तो इसको मैं देखिए कर रहा हूँ कैसे, ऑल सेलेक्ट करूँगा मैं इसको, मैं इस तरीके से कर लिया। ठीक, उसके बाद में फर्स्ट वाला तो उसी तरीके से रहेगा, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला आपको एक छोड़कर दूसरे पे कर लेना है, एक छोड़कर दूसरे पे कर लेना। ठीक, अब ये वाला देखिए, ये वाला जो है इसको भी इसी तरीके से करना है। ये वाला जो है इसके बगल वाला यहाँ पर उसी में रहेगा। देखिए सी माइनर है तो सी लगा है, उसके बाद में लगा है डी शार्प, उसके बाद में लगा है जी लगा है। ठीक, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद में देखिए ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। ठीक, ऊपर वाला सेलेक्ट करने के बाद में इसको 1 2 छोड़कर तीसरे पे कर इसको बड़ा कर लेना है। ठीक, उसके बाद में इसी को कॉपी कर यहाँ पर नीचे कर लेना, नीचे वाला मिला लेना है सब। देखिएगा जितना कोड है शुरू से लास्ट तक इस तरीके से कर लिए तो यहाँ पर देखिएगा इसके बराबर में आ रहा है कि नहीं, ये वाला जो लगा है इसके बराबर में है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि इसी के जो नीचे वाला रहेगा तो उसके बराबर में रहना चाहिए। ये जैसे ऊपर वाले में है, ये नीचे वाला में है,
अब देखिएगा इसको, अब मैं इसी को देखिए पूरा ऑल कर कर यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ और बढ़िया लग रहा है, देखिए यहाँ पर करने से और बढ़िया लग रहा है देखिए। अब इसको आप स्टॉक नीचे कर दीजिए, जैसे C4 पर है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ बेस के लिए। और अगर नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर कर लीजिएगा। अब देखिए ये रिदम के साथ बजा रहा हूँ, उधर देखिए सादा लगने लगा, तो फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अगर मैं विस्तार से पूरा सॉन्ग एक सॉन्ग पे और बना लगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक पैटर्न बताया हूँ कि हाँ ये पैटर्न होता है। ऐसा देखिए मैं सेव कर कर रख रखा हूँ, टोटल जितना भी चीज़ है मैं सेव कर कर रख रखा हूँ कि लगाने में टाइम ना लगे, जल्दी से जो ये वीएसटी खोजना ना पड़े, टोन जो है सिलेक्ट ना करना पड़े। इस तरीके से मैं खोलता हूँ, यहाँ पर ओके करता हूँ, ऑल सेलेक्ट, फिर नीचे आ जाता है, टोटल आ जाता है। और इस तरीके से आपको भी लेना होगा ये सब तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। यहाँ पर देखिए अब ये जिस स्केल में है, मान लीजिए ए शार्प में है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न है मेरा यही सेम है। देखिए मैं ये जो है ऑलरेडी टोन जो है ये वाला बेस में जो है बेस कोड का, तो मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ, जैसे इसमें सेलेक्ट किया था ना मैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, देखिए रिमूव कर कर इसमें बताता हूँ। इसको जैसे मैं सेलेक्ट किया था यहाँ से अभी ये वाला, तो इसमें देख लेना कौन सा बेस्ट लग रहा है। एक ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, तो इसको छोड़ देना है। और भी एक लगा सकते हैं, थोड़ा सा बैकअप मिलता है पीछे से, उसका सपोर्ट हो जाता है तो बढ़िया लगेगा। इसी तरीके से देखिए बनाना है और इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर से देखिए मैं बता देता हूँ, ये वाला इस तरीके से नीचे किए, ऑल सेलेक्ट करिएगा, ऑल सेलेक्ट में किया इसको, ये देखिए ये तो जेन्युइन है कि ये बजाना ही पड़ेगा आपको गाने के अनुसार। उसके बाद में यहाँ पर है, फिर उसके बाद में ये वाला जो है आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, आप थोड़ा थोड़ा सा भी कर सकते हैं, आपको जितना मतलब सुविधा है। मान लीजिए मुझको इतना सुविधा है यहाँ पर, मैं कर लिया, फिर मुझको यहाँ पर सुविधा है इतना, तो मैं इसको मैं इधर कर लिया, फिर मैं इसको यहाँ पर कर लिया, फिर इसको मैं नीचे कर दिया। इतना सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं है कि इतना आपको मैं बता रहा हूँ इतना तो इतना ही करना है। यहाँ पर मैं कर लिया, अब ऑल सेलेक्ट कर कर देखिए यहाँ पर, लेकिन ऑल सेलेक्ट कर कर यहाँ पर कर लीजिए इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर देखिए अब इसको स्टॉक जो है नीचे कर लेना है, स्टॉक मतलब कि स्टॉक का मतलब ये है कि यहाँ पर C3 में है, यहाँ पर 4 में था। देखिए ये कैसे हो रहा है, बहुत लोग डाउट्स में होंगे कि ये एक ही बार मैं ऊपर कैसे कर ले रहा हूँ नीचे कैसे कर ले रहा हूँ। शिफ्ट दबाइएगा, कंट्रोल ए कर कर पूरा ऑल सेलेक्ट हो गया, ठीक, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो गया। और शिफ्ट जो होता है कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाइएगा, और ऊपर नीचे वाला जो होता है बटन और लेफ्ट राइट वाला, तो नीचे अगर कीजिएगा इस तरीके का शिफ्ट दबा कर नीचे कीजिएगा तो नीचे होगा, ऊपर वाला कीजिएगा एरो जो ऊपर रहता है तो एरो वाला कीजिएगा, ऊपर कीजिएगा तो ऊपर चढ़ेगा, तो मुझको नीचे करना है तो नीचे वाला मैं किया हूँ, तो इस तरीके से हो गया, ठीक। इस तरीके से देखिए बहुत बढ़िया ना साउंड कर रहा है, तो इसी तरीके से आपको बनाना है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके की जानकारी आपके बीच हरदम लाता रहता हूँ। तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।